सो अभी मैं वो जंगल भी जो आपको दिखाया था वो भी क्रॉस करके अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे बारिश बहुत ही जोर से आ रहा है। 5 मिनट से यहाँ पे रुका हूँ। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से वन साइड। साइकिल लाइट जो मैंने डेकाथलॉन से खरीदा था 300 रुपये का है। ये ब्लिंकिंग मोड आता है, फिर ये वाला, और बाद में एक बार और प्रेस करेंगे तो बंद हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, आज मैं आया हूँ आप लोगों को उस वाले वीडियो जहाँ पे मैं बैम्बू फॉरेस्ट गया था, चोकनाली फॉरेस्ट गया था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे, बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे, थोड़ा खेत उत देखेंगे और वहाँ पर और क्या क्या है वो सब देखेंगे। आज तो बहुत ही बारिश हो रहा है, तो फाइनली अभी हम लोग चोकनाली फॉरेस्ट के पास आ गए हैं। अभी टाइम मिला है और रोड इतना अच्छा है तो सोचा कि दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाया जाए, और जो प्रैक्टिस में बहुत दिनों से कर रहा था आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा, मगर अभी भी फ्रंट कैमरा अगर यूज़ करता हूँ तो साइकिलिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये है, प्रैक्टिस अगर करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। गाइस अभी ये है जो प्लेस, ये अभी मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ इसलिए बस एक्टिंग कर रहा हूँ कि ये वो प्लेस है, मगर मस्त लग रहा है अभी। लास्ट टाइम मैं वहाँ पे खड़ा था और आप लोगों को बोला कि मैं जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगा तो आप लोगों को यहाँ पे उतर के सब दिखाऊँगा। आज मैं वो वाले वहाँ से ऐसे 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 होकर, पूरा ख़राब रास्ता था, अपने साइकिल को भी लेकर आया, सिर्फ मैं नहीं आया, इसको भी दिखाना चाहता था साइकिल को कि ये भी आके बेचारा देख ले। अब इसको बोला हूँ कि यहीं पर खड़ा रहे और मैं थोड़ा यहाँ से नीचे जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसको लेकर जाऊँगा तो फिर मुझे ही लेकर आना पड़ेगा और यहाँ पे स्लोप बहुत ही है। अभी सीधे कैमरे से व्लॉग करते हैं क्योंकि पीछे मेरा साइकिल भी दिखेगा अगर कोई चुरा के लेके गया। आज मैं अपने लॉक और की लाना आज फिर से भूल गया। कल एक्चुअली मैं रेडी था यहाँ पे आने के लिए, मगर बारिश होने लगा इसलिए मैं छोड़ दिया, और आज अर्जेंट में आया और लॉक एंड की भूल गया। अगर लॉक एंड की लेकर आता तो उसको लॉक करके और वहाँ तक सब जा सकते थे। अभी तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हिन्नूर बैम्बू फॉरेस्ट है प्लेस का नाम, और पीछे ये लेक है। अभी और जाते हैं, देखते हैं कैसा है। ओके, तो यहाँ पे नीचे ऐसे है, फिशिंग भी लोग कर रहा है। मुझे लग रहा है कि बैम्बू फॉरेस्ट वो है, बाकी यहाँ पे लेक बहुत ही अच्छा है देखने में। सो वहाँ से थोड़ा दूर निकलने के बाद जो रास्ता मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, तो कुछ ऐसा एरिया है और बैम्बू फॉरेस्ट वहाँ पे जो फेंसिंग है उसके बाद में है, वहाँ पे जा सकते हैं, शॉर्टकट तो है। यहाँ पे भी ऐसा है ये वाले रास्ता, मगर यहाँ से मेरा मन बोल रहा है कि बस यहाँ से आगे मत जाओ, तो यहीं पे साइकिल रुकती हूँ। यहाँ पे ऐसे खेत है, चारों ओर खेत ही खेत है। यहाँ पे लास्ट एक घर ये दिख रहा है, तो जहाँ तक घर दिखा वहाँ तक गया। खेत भी यहाँ रुक रहा है, मतलब इसके बाद खेत नहीं हो रहा है। ये बीच में छोटा सा फॉरेस्ट है और वहाँ पे तो हमारा जहाँ जाने का मेन प्लेस है वो है, मगर वही अकेले मैं नहीं जा सकता हूँ। एकदम मस्त प्लेस है, इसके अंदर थोड़ा सा जाके वापस रिटर्न आ जाते हैं।
सो अभी मैं वो जंगल भी जो आपको दिखाया था वो भी क्रॉस करके अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ऐसा है, पीछे एक रोड है और यहाँ पे है शॉर्टकट। ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यही है बैम्बू। आज इसी को देख के खुश हो जाइए। जैसे ही मुझे पार्टनर कोई मिलता है तो मैं यहाँ पे अंदर जाऊँगा, अकेले तो मेरे से नहीं होगा। एक बार और आप लोग देख लीजिए कैसा है बैम्बू फॉरेस्ट। प्लीज़ ये मत बोलिए कि अंदर क्यों नहीं गए, रीज़न आप लोगों को पता ही है कि मैं डरपोक हूँ और मैं अकेले कभी नहीं जाऊँगा इसके अंदर। यहाँ तक आ गया वही मेरा लग रहा है कि गलती कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ आगे पीछे सब देख लीजिए कैसा है। अब जितना जल्दी होता है यहाँ से निकलते हैं। और जिसको बुरा लगा कि यार पूरा नहीं दिखाए तो आई एम सॉरी, ये रास्ता मैं कभी जा सकता हूँ अगर कोई है तो। और ऊपर से बारिश का दिन है तो क्लाउड्स भी है अभी, पूरा ये हो रहा है यहाँ पे। मैं बोला था फेंसिंग इतना था, ये फेंसिंग ही दिख रहा था आप लोगों को सब जगह पे, यहाँ पे तोड़ दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है अंदर जाने के लिए शॉर्टकट। गूगल मैप्स में लोग बोल रहे थे कि यार सही रोड नहीं है, मतलब ओपनिंग कहाँ से है, गेट कहाँ से है। तो ये एक गेट है अंदर जाने के लिए। फिर से आगे वाले कैमरा से व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आगे देख सकता हूँ, अगर पीछे से कोई आ गया तो इसलिए दो दो आँख होना चाहिए, इसलिए व्लॉग फ्रंट कैमरा से करना ठीक रहता है। फाइनली गाइस यहीं से मैं पीछे गया था ऐसे ऐसे अंदर वो वाले प्लेस पे, तो वहाँ से अभी मैं वापस आ गया हूँ। बस गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बारिश होने वाला है तो मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपने घर पहुँच जाता हूँ। और वीडियो कैसा लगा, ये प्लेस कैसा है, ये कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को आना है तो मुझे कॉल कीजिएगा, मतलब मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने अभी नहीं किया है पहले ऐसे ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, और बाद में जब टाइम मिलेगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम मस्त। बाय बाय। हाथ छोड़ के चलाने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मगर अभी आई हैव बिकम एक्सपर्ट आई थिंक।